नमस्कार अर्गस न्यूज जूम को स्वागत करुछी मु कमलाकांत। सारा देश रे जहाँ कुने एबे चर्चा, महाराष्ट्र रे पुणी थरे गणमाध्यम कंठरोध पई प्रयास करा जाउछी, जहाँ कुने आज दिन तमाम चर्चा होउछी। रिपब्लिक टीवी रही तार एडिटर जी अर्णव गोस्वामी तांकु घर उठाई नेछि मुंबई पुलिस। तबे अभियोग होउछी गोटे पुराणा घटना, आक्रोशमूलक भावे मुंबई पुलिस एवं महाराष्ट्र सरकार तांकु गिरफ करिछंती। 2018 एक पुराणा मामला को आणी की जे लगातार किछि दिन धरी अर्णव गोस्वामी जे भली भाबरे महाराष्ट्र सरकार एवं मुंबई पुलिस को टार्गेट करि आसुथिले बा तांको विरोध रे जे खबर प्रसारण करथिले सेथिरे आक्रोशमूलक पदक्षेप नैछंती महाराष्ट्र सरकार एवं मुंबई पुलिस। बिना नोटिस एवं कोर्ट अर्डर नथाई मध्य तांकु गिरफ करा जायथिबा रिपब्लिक टीवी पक्षरु कहा जाउछि। अर्णव गोस्वामी मध्य एने अभियोग करिछंती, आपण आपणक स्क्रीन रे देखि पारथिबे सेइ समय रे दृश्य जेतेबेले तांकु अर्णव गोस्वामी को गिरफ करा जाय निया जाउथिला एवं सेतिक समय रे से कहिथिले जे तांकु पुलिस मारपीट करिछि। केवल तांकु नुहे तांको परिवार लोकंकु मध्य मुंबई पुलिस हैरान करिछि एवं तांकु पूर्वरु सूचना दिया जाय नथिला एवं तांकु घरे 3 घंटा धरि बंद करि रखा जायथिला एवं मुंबई पुलिस पक्षरु जे 10 रु अधिक कर्मचारी आसथिले सेमाने तांको परिवार उपरे मध्य आक्रमण करछंती एबले अभियोग लगाइछंती रिपब्लिक टीवी रे एडिटर अर्णव गोस्वामी। जदि आम गत किछि दिन घटनाक्रम उपर नजर पकाइबा से सुशांत सिंह मृत्यु मामला हेउ बा ड्रग्स लिंक को नहीं रिपब्लिक टीवी जे भली भाबरे अभियान चलाइथिला बा बारंबार खबर प्रसारण करथिला एवं महाराष्ट्र सरकार खास कर एथिरे अकल रे पड़ जाइथिले सेथिपई बारंबार रिपब्लिक टीवी विरोध रे महाराष्ट्र सरकार एवं खास कर कि जो मुंबई कमिशनर रहिछंती से आक्रोशमूलक भाबरे पदक्षेप नउथिबा अभियोग हेउछि। बारंबार गोटिए परे गोटिए केस दिया जाउछि कि किछि दिन परे 1000 अधिक कर्मी रिपब्लिक टीवी तांको नारे मध्य केस करा जायथिला आउ आज तार एडिटर जो रहिछंती अर्णव गोस्वामी तांकु गिरफ करा जायछि, जहाँ कुने देशव्यापी तीव्र प्रतिक्रिया प्रकाश पाउछि। विभिन्न विभाग रु विभिन्न लोक एने प्रतिक्रिया रखुछंती जे एहा इमर्जेंसी काल को मने पकाई देउछि। किछि जने एहा को हिटलरी शासन कहउछंती एवं महाराष्ट्र रे जो शिवसेना एवं कांग्रेस सरकार रहिछंती से एते अत्यधिक आक्रोशमूलक पदक्षेप नेउछंती एवं गणमाध्यम उपरे आक्रमण करुछंती से खबर प्रसारण करुथिले सेथिपाई तांको विरोध रे गोटिए परे गोटिए मामला रे छंदी देबा को चेष्टा करा जाउछि एभळी अभियोग आसुछि। तबे प्रथमे प्रतिक्रिया सुनि नेबा किछि प्रतिक्रिया सुनि नेबा जे अर्णव गोस्वामी को गिरफ कला परे कोन रहिछि विभिन्न महल रे प्रतिक्रिया। ये प्रजातंत्र में इससे खराब दिन कुछ नहीं हो सकता है। कोई वरिष्ठ पत्रकार को, एक न्यूज़ चैनल की एडिटर को ऐसे अमानवीय व्यवहार करना, उनकी मानवीय अधिकार को हनन करना, इसको कड़ी से कड़ी भाषा में निंदा करने से भी कम होगा। और एक राजनीतिक उद्देश्य से किया गया है। उनकी बात वहाँ की स्थानीय सरकार और विशेष करके उनकी जो आका है दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की आला कमान, उनको पसंद नहीं होता है, इसलिए उनके ऊपर ये जालती किया गया है, उनके ऊपर अत्याचार किया गया है, इसको हम निंदा करते हैं। मुझे मालूम नहीं, मैंने देखा नहीं, मैंने सुना है आपसे। महाराष्ट्र में कानून का राज है, इस राज्य में कोई भी गैर कानूनी काम को बढ़ावा नहीं दिया जाता है। पुलिस को अधिकार है, पुलिस स्वतंत्र है, उनके पास अगर कोई जांच के लिए एक्शन के लिए कोई एविडेंस है तो महाराष्ट्र की सरकार और यहाँ के राजनेता कभी भी पुलिस के कार्रवाई में हस्तक्षेप नहीं करते। मैं महाराष्ट्र सरकार को ये पूछना चाहती हूँ कि आपने आज अर्णव गोस्वामी के घर में जाके उनको मारा है, उनके बाल नोचे हैं, उनको असॉल्ट किया है, कितने घर तोड़ेंगे आप और कितने गले दबाएंगे, कितने बाल नोचेंगे आप, कितनी आवाज़ें बंद करेंगे आप, सोनिया सेना कितने मुंह बंद करेंगे आप, ये मुंह बढ़ते ही जाएंगे। आज कितने हमसे पहले कितने शहीदों के तो गले काटे गए हैं, उनको लटकाया गया है फ्री स्पीच के लिए, कोई बात नहीं, एक आवाज़ बंद करेंगे कई उठ जाएंगी, कितनी आवाज़ें बंद करेंगे आप। और गुस्सा क्यों आता है, कोई पेंगुइन कहता है तो गुस्सा आता है, अब पेंगुइन लगते हैं तो पेंगुइन कहेंगे क्यों गुस्सा आता है, पप्पू सेना कहते हैं, अब पापा के पप्पू जैसा काम करेंगे तो पप्पू सेना तो कहेंगे, सोनिया सेना कहते गुस्सा आता है क्या, तो हो तुम सोनिया सेना।
आपण प्रतिक्रिया शुणुते कंगना रणावत कहते महाराष्ट्र सरकार को विरोध में जितेबले से स्वर उठाई बिल्डिंग ऑफिस बिल्डिंग को भंगा जाता आपड़ शुणुते धर्मेन्द्र प्रधान को प्रतिक्रिया शुणुते से हीपरी संजय रावत प्रतिक्रिया रखते जे पुलिस ता काम कर सफे दे तेब अन्नम गोस्वामी को जितेबले गिरफ्त कर सेतेबले प्रतिक्रिया सामना को आसला जितेबले से कहते जे माड़ मर जा चलत प्रथम से ही प्रतिक्रिया शुणी नेपर आलोचना फिर मारा गया है बीन बीटेन मुझे मारा गया मुझ पुलिस ने मुझे मारा मारा गया है बीन बीटेन मुझे मारा गया मुझ पुलिस ने मुझे मारा मारा गया है बीन बीटेन मुझे मारा गया मुझ पुलिस ने मुझे मारा आपण शुणी पारे से बारंबार कहते माड़ मरा जाते गिरफ्त करा से मीडिया आगे प्रतिक्रिया रखी माड़ मरा जा कि समय पूर्व आम आपको देखु से भिजुआल देखु जिते घर दस रु अधिक मुंबई पुलिसकर्मी रही थे और से अभोग करते पर टार्गेट कर माड़ मर जा तेज अधिक आलोचना आम सहित जोड़ी वरिष्ठ सांबादिक अक्षय साहू जोड़ी अक्षय साहू प्रथम आपण को अर्गस न्यूज को स्वागत करी आज दिन तमाम यही खबर देखु थे जितेबले अर्णव गोस्वामी जी रही रिपब्लिक टीवी एडिटर रही गिरफ्त तबे गिरफ्तारी पछरे गोटे मामला रही ना राजनैतिक आक्रोश और षड्यंत्र भावुं देखो एपर्त जहाँ जमापड़ी एटा गोटे राजनैतिक आक्रोश रही कारण ये घटना टी हूँ 2018 मे मस 2018 मे मस गोटे केस होता से महाराष्ट्र रायगढ़ जिले में जड़े व्यक्ति सुइसाइड करते सुइसाइड नोट अर्णव गोस्वामी और दुईज बंधु को से दायी करते से केस टी तदंत होता चार्जसीट होता और केस टी क्लोज हो जाता अर्णव से कौन संपुक्ति स्पष्ट प्रमाणित हो ना एबे से घटनाटा को पुन थरे रीओपन कराई करी से केस्ट को एवं सेठी तांको अर्णव को जो छंदिया पई चेष्टा करा दैछि एटा को केवल आमे नहे समग्र देशर जो माने बुद्धिजीवी माने अछंती जो माने राजनीतिक नेता अछंती केंद्र सरकार का मंत्री अछंती एवं अनेक अनेक सेक्शन रो लोक माने से माने ताको विरोध करछंती कथाटी होछि जति अपन केस रीओपन करछंती करंतु सेतिर बाधा नै सब बेले गोटे केस बंद हो केस टा को पुन थे खोलिक तदंत कर किंतु जहाँ को आपण अभियुक्त भावुंत से अभियुक्त को तार जो सांविधानिक अधिकार अच्छी सुप्रीम कोर्ट ताको जो अधिकार प्रदान करी सुप्रीम कोर्ट गोटे व्यक्ति अधिकार को सब्यस्त करने जो तार गाइडलाइंस सेट कर स्थिर कर मानवाई पड़ो ये अर्णव को जिते से गिरफ्त करने आसी पूर्व कौन से मामलें ना तांको नोटिस करा जाए ची, ना कोर्ट तरफ किसी समन इश्यू करा जाए ची। बिना नोटिस रे, बिना समन ने तांको घरे सकाल पांचटा रे पहुंचबा एवं तांको घर घोषाड़ी घोषाड़ी करी नबा एटा निहाती भाबरे कोनसी सभ्य समाज ग्रहण करि परबो नाही एवं गोटे गणतांत्रिक देश रे गोटे गणतंत्र कहुबा हम देश रे पुलिस रे एभली फासीवादी व्यवहार को कौन से व्यक्ति के ग्रहण जो समय अन्न प्लीड कर आघात करने करते लीगल एडवाइस नापी मो लॉयर मान सहित मतलब परामर्श कर सुजोग दिखा ये जो कथा दुईट जिन मगुले यहाँ गोटे व्यक्तिर अधिकार भितर आसुची ये अधिकार पुलिस उपभोग करने बा ए अधिकार सब्यस्त करिया पई देला नहि अतब एथरु स्पष्ट प्रतिमान होउछि जे पुलिस गोटे अभिसंधि रखिकिरी कोनसे ना कोनसे प्रकारे तांको घर उठै नै किरी अरेस्ट करबा एवं जेल ले पुरिया पई गोटे विधिवद्ध योजना करिछि निश्चित आपन जाको देशर जे या ओछर गोटे विधिवद्ध योजना रहिछि षड्यंत्र रहिछि आक्रोश मूलक भाबरे ए पदक्षेप निया जाय थाई पारे कारण गत किछ दिन धरी जेंभली भाबरे अर्णव गोस्वामी बा तांक चैनल खबर प्रसारण करथिला महाराष्ट्र सरकार को काठगड़ा को आनीथिला जे से ड्रग्स मामला हो सुशांत सिंह मृत्यु मामला हो एवं महाराष्ट्र विभिन्न घटना को नहीं जितेबले खबर प्रसारित होता सेतेबले मुंबई पुलिस हो बा कमिशनर हो बा महाराष्ट्र सरकार को टार्गेट आसी जाइथिले सेइति पई एभली पदक्षेप निया जाउछि कि कारण अन्य मामला रही मात्र तापर दृष्टि न दे केवल ये गोटे चैनल विरोध में एभली पदक्षेप महाराष्ट्र सरकार आक्रोशमूलक पदक्षेप को दर्शाऊनी कि
देखो महाराष्ट्र सरकार अनेक समय शिवसेना सरकार गोटे आशा कर वर्षे देढ़ वर्ष तले सरकार गठन होता जो गठन है आशा कर शिवसेना जी की सब बेले बीजेपी भले कहे मोटे पार्टी विथ डिफरेंस आम वैल्यूज रे विश्वास करू नीति नियति रे आम विश्वास करू तो आशा कर शिवसेना जो शिवंकर ना नहीं गठन होती से निश्चित गोटे भल शासन दब कि जब शासन को आसला कांग्रेस एनसीपी सहित मेट कर आसला आम जहाँ देखु शिवसेना सरकार अति रुक्ष व्यवहार करुच्ची जो मैंने कार्यशैली की प्रश्न करुच्चर अति निर्दय अति निष्ठुर आम अर्णव गोस्वामी जो टेलीविजन चैनल जो आप सुशांत सिंह राजपूत कथा हूँ बाहर कंगना रानावत घर को डिमोलीश करवा कथा हो से जो मुंबई जो आप ड्रग पेडलिंग चलते से कथा हो जो से नहीं शिवसेना सरकार को प्रश्न कर से प्रश्न को हजम कर पारि ना शिवसेना सरकार एवं गोटे पुराणा केस को पुणी थे उठाई पुराणा केस को पुणी थे तदंत करने बाहन बर्तमान गिरफ्त कर तो यहाँ गिरफ्त करने गिरफ्त जो कर व्यक्ति को संविधान जो दि जाए मौलिक अधिकार रही आर्टिकल 19 जो कहते फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ताकू गोटे कही गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र इज ट्राइंग टू ट्रैम्पल अपॉन those civic fundamental rights of a citizen ebong Arnab Goswami ko bhali gote jane prakhyata sambadhik ko jeta e bhali karuchanti ta dara maharashtra sarkar ota message dauchanti je we can pull up anyone Arnab Goswami ki aje ame tadilu kali sakal apan man ko tani paru e bhali gote bhaya sanchar karuchanti jan sadharan ko bhitare ebong Arnab ko sahito hoichi kali au ka sahito madhya saman katha hoi pare किसी समय पूर्व संबित पात्र प्रेस मीट रे समान कथा कही आज हुए तो अर्णव गोस्वामी सांगे यहाँ हो आगामी समय यह अन्य मान सहित सेपरी केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान घटना को निंदा करमंत्री प्रकाश जावड़ेकर जेपी नड्डा कहते जे ए गोटे हिटलरी शासन कथा कौचि ये जो महाराष्ट्र जो सरकार चली फाँसीवाद बा जो इमरजेन्सी समय कथा मन पकई दे गोटे पर गोटे प्रतिक्रिया आस घटना को निंदा करा जाउछि जे जदि अरेस्ट करिबार थिला पूर्वरु नोटिस दिया जाय पारि थांता जदि भी तांकू गिरफ्त करा जाउछि तांकू मध्य सुजोग दिया जाय पारि थांता से तांग आईजीबी को सहित कथा होई पारि थांते जहां अभिजोग आसुछि तांकू तार सुजोग दिया गला नाही एवं सकाळ 6टा रु जेतले मुंबई पुलिस तांको बासभवन ने पहुंचीथिला एवं तांकू सेठारु उठाई नैथिला सेही समय रे जेतबेले से चाहुथिले जे से कथा हेबे तांको आईजीबी को सहित कथा हेबे तांकू से सुजोग दिया जाय नथिबा अभिजोग हेउछि एवं सबुठी बड़ कथा एवं तांको परिवार लोकों को माड़ मरा जाइथिबा सांघातिक अभियोग आसुची आपण बाइट मध्य सुनुथिले एवं आपण विजुअल माध्यम रे मध्य देखिथिबे जेतेबेले तांको उपरे आक्रमण करा जाइथिबा अभियोग करा जाउची बारंबार रिपब्लिक टीवी पक्षरु मध्य अभियोग आसुची जे तांको मारपीट मध्य करा जाइछि जहाँ कि गोटे टेलीविजन स्टूडियो रे जेतेबेले से गोटे सरकार को विरोध रे बा दुर्नीति कथा सामना को आनिथिले सेतेबेले मुंबई रे पुलिस कमिश्नर हुंतु बा महाराष्ट्र सरकार को टार्गेट रे आसी जाइथिले अर्णव एवं तांको चैनल आउ एबे जेउ घटना घटुची ताहा तारी एक आक्रोशमूलक पदक्षेप नेइछंती महाराष्ट्र सरकार एवं मुंबई पुलिस तो मु आपनु पचारिबे पई चाहिबि जे किछि दिन पूर्व जेतेबेले कंगना रणावत जे से तो महाराष्ट्र एगेंस्ट कथा कहिथिले सेतेबेले तांको ऑफिस को भंगा जाइथिले एवं तांको विरोध रे गोटे परे गोटे मंतव्य देइथिले महाराष्ट्र सरकार एवं शिवसेना नेता मध्य देइथिले तो वर्तमान भी किछि समय पूर्व आमे प्रतिक्रिया सुनुथिले संजय रावत को प्रतिक्रिया सुनुथिले जेतेबेले से पुलिस ता बाटे जाउछि बोली कहिछंती किंतु जहा कि साधारण चर्चा हेउछि एवं अभिजोग आसुछि ए यहाँ पछरे रही एक राजनैतिक षड़यंत्र जितेबले जड़े स्वर उठाऊ ता स्वर को दबाई देवाई एभली प्रचेषा कर एक योजनाबद्ध भाव में हैरान करेस्ट कर देखो बर्तमान जो भाव आरेस्ट कर जेल पुरात कि प्रश्न हूँ इज महाराष्ट्र पुलिस एबव द लॉ इज महाराष्ट्र पुलिस above the established rules and regulations has maharashtra police the right to trample upon or ignore the guidelines laid down by the supreme court these are the questions that need to be asked to the maharashtra police ebong eta ko samasta pachara darkar supreme court guidelines koruchi je apana kaha ko jodi detain karibe ba arrest katha chalando kaha jodi detain bi karibe
ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ରିଲେଟିଭ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ତାଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଡିଟେନ୍ କରୁଛନ୍ତି? ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଡିଟେନ୍ କଥା, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଯଦି ଇଣ୍ଟରୋଗେଟ୍ ବି କରିବେ ସେଠି ଆପଣ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ପଡିବ କେଉଁ କେସ୍ରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରୋଗେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ପଚରା ଉଚରା କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର ଅର୍ଣ୍ଣବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ପଚାରୁଛନ୍ତି କେଉଁ କେସ୍ରେ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ସେ କଥା ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉ ନାହିଁ, ଏବଂ ସିଏ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଡିଟେନ୍ କଲାବେଳେ ବା ଇଣ୍ଟରୋଗେଟ୍ କଲାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବି ତାଙ୍କର ଯିଏ ଓକିଲ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ, ଏଠି ସେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ଏଇ ଗୁଡାକ ହଉଛି ମୌଳିକ ଜିନିଷ, ଏଇ ମୌଳିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡାକ ପଚାରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଇନଗତ ଦିଗ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାଧାରଣରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପୋଲିସ କ'ଣ ଆଇନର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସେ କାହିଁକି ଯେଉଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଛି ତାକୁ କାହିଁ ମାନିବେନି? ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବି। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିନେବା ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରିକି ତା ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା, ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବି। आज हम खड़े हैं, आज हम आवाज उठा रहे हैं। बंधुगण, यही वो माफिया सरकार है। माफिया, और देखिए विडंबना, माफिया मां बेटे का जो माफिया सरकार है, इसने केवल प्रेस के ऊपर आघात किया हो ऐसा नहीं। जब इनको फेवरेबल जजमेंट नहीं मिलता है तो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक को नहीं छोड़ते हैं। दे अटैक ऑन द सीजेआई ऑफ इंडिया, दे मूव अहेड फॉर द इंपीचमेंट ऑफ सीजेआई ऑफ इंडिया, they call the CJI of India by names। तो यह केवल प्रेस का विषय नहीं है, यह विषय हम में से प्रत्येक नागरिक का है। कंधा तो शिवसेना का है, मगर वो बंदूक, वो ट्रिगर, वो बारूद और वो बुलेट, यह सारा कुछ इटालियन माफिया का है। यह सारा कुछ उन मां बेटे का है जो हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी को समाप्त करने के लिए लड़ रहे हैं। जिस भी राज्य में ये इटालियन सरकारें चल रही हैं वहां पर इस प्रकार की गिरफ्तारी ना हो, घसीट करके किसी पत्रकार को बाहर ना निकाला जाए, इसके लिए हम लामबंद होकर खड़े हो। ଶୁଣୁଥିଲେ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ। ତେବେ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆଲୋଚନାକୁ, ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆଇନଗତ ଦିଗ କଥା କହୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ ବି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଣ୍ଣବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ନେଇପାରିବେ ଅର୍ଣ୍ଣବ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ବା ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଇନଗତ ଭାବରେ କ'ଣ ସେ କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କୁ ବେଲ୍ ମିଳିବାର କେତେ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ବା ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ କ'ଣ କରିପାରେ, ବା ତାଙ୍କୁ ହାଜତକୁ ନେଇପାରେ ନା ସେ ବେଲ୍, ତାଙ୍କୁ ବେଲ୍ ମିଳିବାର କେତେ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆଇନଗତ ଦିଗକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଣ୍ଣବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ପରେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ କ'ଣ ବିକଳ୍ପ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ଆମେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଥମ ଦଫାରେ ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟଡି କିଣିଲେ ସେଠି ଯୋଉ ନୀତି ନିୟମ ପାଳନ କରାଯିବା କଥା କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଏବଂ ତାପରେ ଯାହା ଥିଲା ଯେ ସେଠି ନବା ପୂର୍ବରୁ, ଆପଣଙ୍କର ରାୟଗଡ଼କୁ ନବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ କହିରଖେ ଯେ ମୁମ୍ବାଇରୁ ଆପଣଙ୍କର ରାୟଗଡ଼ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଆମର ଯେମିତି ଗୋଟେ ଏଠୁ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଆପଣ କୋରାପୁଟ ରାୟଗଡ଼ା, ସେମିତି ସେଠି ରାୟଗଡ଼ ଯେ ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପୁନେ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ଏବଂ ପୁନେରୁ ସେଠୁ ରାୟଗଡ଼ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ରାୟଗଡ଼ ଗୋଟେ ହଉଛି ନକ୍ସଲ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ, ଏତେ ବାଟ ଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ନିୟମ କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଆପଣ ଯାହାକୁ କଷ୍ଟଡିକୁ ନିଅନ୍ତି ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୋଉ କୋର୍ଟ ଅଛି ସେ କୋର୍ଟରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ହାଜର କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଇ ସେଠି ନିଆଯିବେ। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରୋସିଜରଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ସିଧାସଳଖ ରାୟଗଡ଼କୁ ନିଆଯାଇଛି। ରାୟଗଡ଼ର ସେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଥାନାରେ କେସ୍ ହେଇଥିଲା ସେଇ ଥାନାକୁ ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ହାଜର ସେଠି ହାଜର କରାଯାଇଛି। ଏଠି ବି ଆମେ କହିପାରିବା ଯୋଉ ଆମର ଇଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ ପ୍ରୋସିଜିଓର ରହିଛି ସେ ଇଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ ପ୍ରୋସିଜିଓର ବି ଭାଓଲେଟ୍ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଦଫା ଲଗେଇଛନ୍ତି ସେଗୁଡାକୁ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ଦଫା ଗୁଡାକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ସେ ସହଜରେ ବେଲ୍ ମିଳିବ କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦଫା କେଉଁ ଦଫା ଲାଗିଛି ସେ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଅର୍ଣ୍ଣବଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ବିକଳ୍ପ ରହିଛି। ତେବେ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଯାହା ରହିଛି ପ୍ରୋସିଜର ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ସିଧାସଳଖ ରାୟଗଡ଼ ନିଆଯାଇଛି। ଚାହିଁଥିଲେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଇପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଆଜିର କେସ୍ରେ ସେ ଆଇନକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି। କାରଣ ଏ ଯେଉଁ ଗିରଫଦାରୀ ହୋଇଛି ତା ପଛରେ ଆକ୍ରୋଶ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଆମେ ଆଗକୁ ବି ଖବର ଦେଖିବୁ ଏ ଯେଉଁ ଅର୍ଣ୍ଣବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଗିରଫ
କରାଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କେଉଁ ଦଫା ଲଗାଯାଉଛି ପୋଲିସ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପୋଲିସ କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି ଆଗକୁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଡେଟ୍ ଦେବୁ ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍ରେ ସମୟ ହୋଇସାରିଛି ନମସ୍କାର।